हेलो गाइस, मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं टेकू। मुझे भी 25,000 का फोन बता दे। कितने का? 25,000 का भाई। 29,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग फोन बताओ। एलटी वाला फोन कोई ढंग का आ जाओ, वही बता दूंगा। दोस्तों, हमने इकट्ठा कर लिए 30,000 रुपए के अंदर बेस्ट फोन, जो कि वैल्यू फॉर मनी है। और एक फोन लेट हो गया, इधर लाओ भाई। इंटर्न चलो, पंगा चलो, थोड़ा दूर से चलना। नोएडा में लाइट नहीं रहती दोस्तों, तो अब कुछ तो काम है इंटर्न लोग। सो फर्स्ट फोन है रियलमी का 11 प्रो। अभी 11 प्रो एंड प्रो प्लस जस्ट अभी लॉन्च हुए और इसकी प्राइसिंग आ रही 24,000 रुपए। बट अगर आप बैंक ऑफ लगा लेते हो तो ये आपको 22,500 मिलने वाला है, जो डेफिनेटली इसको 30,000 रुपए के अंदर एक अच्छा फोन बनाती है। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और ये काफी क्विक भी है भाई। आपको जोर से मारना पड़ता है और गिराने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लास्टिक बिल्ड है और मेरे को थोड़ा धक धक हुआ अभी, लेकिन टेस्ट हो चुका है। दूसरा, इस फोन का जो डिजाइन है, मेन यूएसपी है इसका, इसको गुची के डिजाइनर ने डिजाइन किया है। क्या डिजाइन किया है भाई, गजब, मजा ही आ जाता है देख के। इसके अंदर आपको 3 कलर अवेलेबल है, सॉरी 2 कलर, बड़े वाले भैया में 3 कलर है। इसमें आपको ये वाला बेज कलर मिल जाएगा और दूसरा ये ब्लैक कलर मिल जाएगा। एक ग्रीन कलर भी है जो कि अपने बड़े भैया मिल जाएगा आपको। इसके अंदर आपको कर्व डिस्प्ले मिला है और कर्व डिस्प्ले इसका बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। जैसे कि अगर मैं आपको साइड में टच करता हूँ, फिर भी अगर डिस्प्ले यूज कर रहा हूं तो कोई इशू नहीं होगा। और ये एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली काफी क्विक और फास्ट डिस्प्ले, और इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050 मिला है। अब ये 7050 जो प्रोसेसर है ना, 25,000 रुपए का काफी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। और ये वाला डिस्प्ले भी आपको HDR10 सपोर्ट करती है, इवन कि आप BGMI HDR सेटिंग्स में खेल सकते हो। इसे कंप्लीट वे बना रखा है हम लोग ने, उसको आप चेकआउट कर लेना, उसमें हर एक चीज एक्सप्लेन किया हुआ है और फोन सच में काफी अच्छा है। इवन कि इसमें 7 5G बैंड्स मिलते हैं, 5G पे धकाधक चल जाएगा आपका। और कैमरे की बात करते हैं, इसमें दिख रहा है 3 कैमरा बट है यहाँ पे 2 कैमरा, ये वाला छेद बंद है दोस्तों। मेन सेंसर है 100 मेगापिक्सल का, उसके बाद है 2 मेगापिक्सल का सेंसर। ये क्या कॉम्बिनेशन है। कैमरा क्वालिटी के बाद सारे फोन को एक साथ रख के करेंगे तो भाई वाला पार्ट वीडियो के लास्ट में, तो उसके लिए वेट कीजिए। और 5000 mAh की बैटरी है, 67W सपोर्ट करता फास्ट चार्जर, बट बॉक्स में आपको 80W है, उससे कोई मतलब नहीं है यार, फास्ट चार्ज हो जाता है। मैक्सिमम 50 मिनट में फुल चार्ज आराम से हो जाता है। तो इंटर्न से चार्ज करा लेते हैं। लगता है इसको फुल टाइम जॉब चाहिए अब। बहुत क्विक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट फोन है रियलमी का 11 प्रो प्लस। इस फोन के अंदर 3 चीज एक्स्ट्रा है, जैसे कि इसका कैमरा बहुत ज्यादा इंप्रूव है और प्राइस का डिफरेंस 4,000 रुपए का है। बट 4,000 रुपए में 11 प्रो में 8 प्लस 128GB है और ये वाला फोन 28,000 रुपए में 8 प्लस 256GB देता है, तो आपको 128GB एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। इवन कि आप जब फोन यूज करते हो तो वहां पर भी आपको इंप्रूवमेंट फील होता है परफॉर्मेंस में। जैसे 11 प्रो प्लस पे अगर आप 4K HDR वीडियो प्ले करोगे तो बिल्कुल भी कोई लैग नहीं करेगा। ये 11 Pro Plus एंड 11 Pro दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। Pro Plus में कुछ भी अटक नहीं रहा है, Pro में अटक रहा है। इवन के दोनों फोन का जो हैप्टिक्स है, जब मैं नंबर डायल कर रहा हूँ या फिर होम पे जा रहा हूँ या फिर बैक जा रहा हूँ, तो हल्का फुल्का जो हैप्टिक्स आता है वो भी काफी ज्यादा बेटर है बड़े वाले भैया में। वैसे डिस्प्ले, डिजाइन, कंप्लीट बिल्ड, इन हैंड फील, परफॉर्मेंस, प्रोसेसर एग्जैक्टली सिमिलर है। 5000 mAh की बैटरी भी दोनों फोन में है। और Pro Plus के अंदर 100W का चार्जर मिलता है, ये वाला अप्रोक्स 35 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज हो जाता है ये वाला फोन, जो कि डेफिनेटली इसको बनाता है एक बहुत ही इंप्रेसिव फोन। तो 28,000 रुपए के हिसाब से ये वाला फोन भी बहुत अच्छा है, बैंक ऑफ लगा के इसको 26,000 में खरीद सकते हो। नेक्स्ट फोन है अपना पोको का F5। अब ये फोन का डिजाइन देख रहे हो क्या क्रेजी लग रहा है भाई, बर्फ की सिल्ली से बनाया गया है इसको। वैसे आपको 2 एक्स्ट्रा कलर और मिल जाएंगे, एक ब्लैक है और एक इलेक्ट्रिक ब्लू कलर है जो कि ग्रीन जैसा दिखता है। और इसकी प्राइसिंग आ रही है अभी 30,000 रुपए, कोई भी बैंक ऑफर नहीं है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्या पता फ्यूचर में प्राइस कम हो जाए। तो आपके लिए हम सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, उस पर आप क्लिक करके चेकआउट कर लेना जरूर से। अभी अगर बात करते हैं इस वाले फोन के बारे में, ये वाले एक 120Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले, बट इसके अंदर कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, साइड बटन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर डाल रखा है इन्होंने। और ये काफी क्विक और रिस्पॉन्सिव है। अंगूठा देना, रेडी, खुल जाता है भाई काफी क्विकली, अंगूठा छापे थोड़ा ये। वैसे फोन का डिस्प्ले बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सबसे पहले एक फ्लैट स्टाइल डिस्प्ले, क्योंकि ये गेमिंग फोन है तो गेमिंग के लिए फ्लैट डिस्प्ले रिकमेंडेड होते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई कि कर्व डिस्प्ले लोगे गेम नहीं खेल पाओगे, मैं तो बहुत सारे कर्व डिस्प्ले में गेम खेला है और एक्सपीरियंस सच में अच्छा रहता है। फोन का चिन एंड बेजल भी बहुत मिनिमल है, इवन की 3.5 वाला गड्ढा भी है क्योंकि ये गेमिंग फोन है यार। और अगर आप BGMI ओपन करते हो, इस पे 20 से 25 सेकंड के अंदर स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर गेम का रिस्पांस भी बहुत क्विक है, अल्ट्रा HD तक चल जाता है ये, मतलब कि हाईएस्ट PUBG सेटिंग्स मिल जाएंगी इसके अंदर। और 30,000 रुपए के अंदर जो परफॉर्मेंस मिलेगा गेमिंग वाला इस फोन के साथ, वो कहीं और नहीं है। तो सिंपली गेमर्स के लिए बहुत अच्छा फोन है ये। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 मिला है, जिसका अंततः स्कोर 9,24,000 आता है। और इसके अंदर UFS 3.1 है, LPDDR5 वाला रैम है। अब ये दोनों चीज फ्लैगशिप फोन में मिलती है तगड़े परफॉर्मेंस के लिए, जो कि आपको 30,000 रुपए के
के अंदर वो कोई दे रहा है, कोई और तो नहीं दे रहा अभी। 64+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है इसका। कैमरा क्वालिटी इनिशियली मुझे काफी अच्छी लगी थी, बट 30,000 रुपए के अंदर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन भाई या तो आप परफॉर्मेंस ही ले लो या आप कैमरा ही ले लो, वाली बात है, ये आपको परफॉर्मेंस ही देगा। और जो कंप्लीट बिल्ड है प्लास्टिक की है, बट फील पूरा ग्लास वाला होता है। पता वाला फोन भी है, 5G चल जाता है इसके अंदर, हर एक चीज है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट फोन है अपना सैमसंग F54। दोस्तों इस वाले फोन का डिजाइन देखो, कुछ याद आ रहा है मुझे सैमसंग का नोट 10 याद आ रहा है। क्या तगड़ा डिजाइन था, उसी डिजाइन को वापस सैमसंग लाया है, बट ये प्लास्टिक बॉडी में लाया है। ये फोन को यूज करने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, रीजन बीइंग कि सैमसंग ने इसके अंदर One UI 5.1 डाल रखा है और Knox 3.9 का भी सपोर्ट है, और Knox 3.9 भी इसके अंदर है। लेटेस्ट One UI और लेटेस्ट Knox सिक्योरिटी का मतलब सैमसंग के जितने फ्लैगशिप फोन होते हैं ना उसके अंदर मिलता है आपको, और F सीरीज में भी आ गया है। इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन किया हम लोग ने अपने मेन वाले वीडियो में, तो उसको आप चेकआउट कर लेना। वैसे फोन के अंदर आपको सुपर एमोलेड 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। सैमसंग वाला कंप्लीट फील है इसके अंदर, बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की है बट अच्छी फील होती है, फोन प्रीमियम फील होता है जब आप इसको यूज करते हो। और इसकी प्राइसिंग है 30,000 रुपए। एक बार करंट प्राइसिंग देखते हैं, यहाँ पे आपको 30,000 रुपए मिल रहा है और बैंक ऑफर है 1,250 रुपए का, मतलब 28,750 रुपीज। दो कलर में अवेलेबल है, ये वाला सिल्वर कलर है और एक ब्लू कलर मिल जाएगा आपको, चेकआउट कर लेना। इस वाले फोन का बेस्ट फीचर है इसका कैमरा, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है इसके अंदर, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का चुनू कैमरा, बट सेल्फी है 32 मेगापिक्सल की। दोनों ही कैमरा आपको काफी अच्छी क्वालिटी में फोटोज लेता है और 4K रिकॉर्डिंग भी फ्रंट एंड बैक कैमरा मिलती है। मतलब कि अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो सैमसंग F54 बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 30,000 रुपए के अंदर वैसे भी बहुत अच्छा कैमरा आपको नहीं मिल रहा है। फोन के अंदर सैमसंग का अपना प्रोसेसर है, Exynos 3080 5G प्रोसेसर है, 10 5G बैंड्स मिल जाएंगे और इसमें 5G की स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी मिली थी मुझे, और 6000mAh की बड़ी सी बैटरी मिलती है और फोन इतना मोटा नहीं है, 8.4mm की थिकनेस है इसकी, तो फोन का डिजाइन कंट्रोल करते हुए काफी मैसिव बैटरी मिली है। और 30,000 रुपए के अंदर पहला ही फोन है जो 6000mAh बैटरी के साथ आ रहा है, बट बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तो अलग से 25W का चार्जर आपको लेना पड़ेगा। वैसे फोन का जो परफॉर्मेंस है डेली लाइफ में काफी अच्छा चल जाता है, हर एक चीज कंट्रोल्ड रहेगी। गेमिंग करना आपको गेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ही अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको गेमिंग के लिए फोन चाहिए तो बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, बट आपको ऑलराउंडर चाहिए तो सैमसंग F54 अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट फोन है अपना Moto H40। ये वाला फोन भी एक ऑलराउंडर फोन है, मतलब हर एस्पेक्ट से बहुत थोड़ा प्यार दे देते हैं। और इस वाले फोन के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा स्लिमेस्ट 5G फोन है, 7.6mm के थिकनेस के साथ आता है और सच में भाई काफी पतला है। एग्जांपल के लिए ये पोको का F5 ये भी काफी पतला फोन है, मोटो ने लेकिन गेम अलग लेवल पे कर दिया है। दूसरी बात, इस वाले फोन के साथ जो कंफर्टेबल एक्सपीरियंस है मजा ही आ जाता है, हाथ में लोगे प्रीमियम चीज फील होगा। वैसे ये प्लास्टिक बॉडी है बट हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। इवन की ये डिस्प्ले 6.55 इंच के आइडियल साइज का है दोस्तों, उससे होता क्या है कि हैंड में काफी कंफर्टेबली आपको होल्ड कर सकते हो और ये फनी क्यों लग रहा है आई डोंट नो, बट डेफिनेटली काफी अच्छा एक्सपीरियंस आता है जब इसको यूज करते हो आप। दूसरी बात, ये 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है और ये फील भी होता है, मोटो ने सच में काफी अच्छा काम किया है इसके साथ। डुअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, मैक्रो डेप्थ सब चीज इसी में घुसा रखा है और मुझे लगता है कोई इशू नहीं है भाई, फालतू में एक्स्ट्रा कैमरा देने से अच्छा है दो ही कैमरा दो, ढंग का कैमरा दो। और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा है इसके साथ और इसमें भी डुअल स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है और प्रोसेसर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 मिलता है, 14 5G बैंड्स मिलते हैं जिसकी वजह से इसकी 5G स्टेबिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है और नेक्स्ट के 2-3 साल तक आराम से इस फोन को यूज कर सकते हो। 5000mAh की बैटरी मिली है और चार्जर इसके अंदर 69-1W का मिल जाएगा और फास्ट चार्ज हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस वाले फोन का सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉइड वाला MyUX मिलता है। वैसे मोटोरोला इसके अंदर थोड़े बहुत अपने एप्लीकेशन डाल के देता है, जैसे कि अगर आप नोटिफिकेशन पैनल ओपन करते हो तो पूरा एंड्रॉइड 13 वाला है। मोटोरोला का थोड़ा बहुत जेस्चर मिल जाएगा, जैसे कि फोन ऐसे हिलाओगे तो ये ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, हिलाने में बहुत ध्यान रखा है इन्होंने। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट ऑन है भाई, ये तो आपकी उंगली में दम नहीं है, आ जा तू दिखा दे। अगर हो गया ना भाई फोन इसको दे दूंगा, एक बार होना चाहिए, लेकिन फोन बच गया भाई। और इसके अंदर ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, ठीक काम कर लेता है, थोड़ा सा स्लो है वैसे। तो वैसे अगर डाउनसाइड की बात करें तो इसके अंदर 4400mAh की बैटरी है, सबसे ज्यादा कम बैटरी लाइफ इसी फोन के साथ मिलेगा आपको, बट काम चल जाता है, एक दिन आराम से निकल जाएगा आपका। और तगड़ी बात है कि IP68 की रेटिंग मिलती है, मतलब कि कंप्लीट फोन वाटर प्रूफ है और ये एक फ्लैगशिप चीज है, महंगे महंगे फोन से मिलता है जो कि आपको इस 30,000 के फोन में मिल रहा है। तो मोटोरोला का ये वाला फोन भी बहुत ज्यादा स्टेबल लगा है मुझे, इवन की वायरलेस चार्जिंग है। और इसी के साथ आता है अपना नेक्स्ट फोन जो कि ये Nothing Phone 1। अब इस फोन के बारे में क्या बताऊं,
हूँ दोस्तों, 10 बार बात कर चुके हैं और अभी इसकी प्राइसिंग चल रही है 30,000 रुपए। स्टिल हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि नथिंग ने इसको अपडेट कर करके फोन को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर रखा है। डुअल कैमरा सेटअप है, 50 MP का मेन सेंसर है और 50 MP का अगेन वाइड एंगल सेंसर है। और नथिंग की जो बिल्ड क्वालिटी भी है ना, फील वाइज तो बहुत प्रीमियम फील होता है। बैक ग्लास का है, इसका जो फ्रेम है आपको मेटालिक फ्रेम है और इन हैंड काफी हद तक आईफोन वाला फील देता है। ऊपर नीचे दोनों साइड का जो बेजल का साइज है ना वो सिमिलर है। ये फिलोसफी आईफोन यूज करता है। इवन की होम स्क्रीन पे अगर आप ऐसे नीचे स्क्रॉल करते हो तो सर्च का ऑप्शन खुल जाता है या ये जो यूआई है सब चेप दिया आईफोन। लेकिन कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर अच्छी चीजें कॉपी की जा रही है। बट इस वाले फोन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि है इसका बैक वाला ग्लास और इसका डिजाइन। इंटर्न यूज करता है भाई नथिंग, भाई इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई अभी तक? वाटर पैक गया था, इसको कवर प्रोटेक्शन था ठीक है, बट इसमें 2 से 3 बूंद पानी गया होगा और ये पूरा इसका अंदर का चार्जिंग सॉकेट जल गया। और बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को बस। और 27 रुपए लगा है। जब ये फोन नया नया आया था मैं इसका टेस्ट कर रहा था, हल्का सा गिरा हाथ से, चकनाचूर पीछे की तरफ पूरा टूट गया था। ये वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे फोन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, स्नैपड्रैगन 778 प्लस मिला है इसके अंदर, 12 5G बैंड्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से 5G का परफॉर्मेंस भी इस पे काफी स्टेबल रहेगा। और इस पे 5G यूज किया जा रहा है, जियो का 5G अच्छा चल रहा है। इसका डिस्प्ले भी 120Hz रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है इसकी बट उतनी भी कम नहीं है कि प्रॉब्लम होगा आपको। आउटडोर में आप इसको आराम से यूज कर सकते हो और मेन बात है काफी अट्रैक्टिव फोन है यार, देखता है तो बोलता है हाँ नथिंग फोन यूज कर रहा है, फेमस हो गया है फोन। और आईफोन की कॉपी करते करते इन्होंने चार्जर बॉक्स दिया नहीं है तो आपको चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा, 1500 रुपए का। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है फोन। और अभी बात करते हैं सारे फोन के कैमरास के बारे में। हमने सारे ही फोन से सिमिलर टाइम पे सिमिलर इंसान की फोटो ली दोस्तों। और स्टार्ट करते सबसे पहले पोको F5 से। डिटेल्स अच्छा मैनेज कर लेता है, कलर्स में सैचुरेशन एडेड रहते हैं इसके अंदर और पोर्ट्रेट मोड पे कभी बैलेंस रहेगा और कभी बैलेंस नहीं रहता है। बट से कैमरा से सेल्फीज अच्छी आ जाती है और वाइड एंगल कैमरा में कलर्स उतने अच्छे नहीं है, क्वालिटी ठीक ठाक मेंटेन हो पाता है और डायनेमिक रेंज एवरेज कहूंगा मैं, मतलब यहाँ पे आपको बादल वादल नहीं दिख पा रहे। अब बात करते हैं सैमसंग F54 की। F54 के अंदर जो फोटोज आती है वो काफी ज्यादा नेचुरल टोन पे रहती है और क्वालिटी भी अच्छे मेंटेन हो पाती है इसके अंदर। पोर्ट्रेट मोड पे उतना ज्यादा अच्छा एज डिटेक्शन नहीं कर पाता है बट भाई काफी ज्यादा नेचुरल टोन पे कैप्चर होते हैं। मेरा स्किन टोन आजकल डार्क हो रखा है। वाइड एंगल के अंदर यहाँ पे क्वालिटी एंड डायनेमिक रेंज बहुत अच्छा मेंटेन हो पा रहा है, आप देख सकते हो बादल के डिटेल्स अच्छे आ रहे हैं इसके अंदर। डायनेमिक रेंज बहुत ज्यादा अच्छा है इस वाले कैमरे का और फोन की सेल्फी भी बहुत ही इंप्रेसिव आती है और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा प्रिजर्व होता है। और सैमसंग F54 के साथ वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी मेंटेन रहती है। और अब बात करते हैं रियलमी 11 प्रो के बारे में। इसके कैमरे में आपको सैचुरेशन कुछ ज्यादा ही मिलेगा भाई, इवन की आर्टिफिशियली लाइट भी काफी ज्यादा ऐड करता है कैमरा इसका। ये पोर्ट्रेट मोड के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है एडिटेशन करने में, इवन की क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन नहीं रह पाती है और स्किन टोन भी काफी ज्यादा सैचुरेटेड है और बैकग्राउंड पूरा वाज्ड आउट है। कैमरा में सैचुरेशन एक प्रॉब्लम है जिसको थोड़ा सा फिक्स किया जा सकता है बट 11 प्रो प्लस के अंदर बहुत अच्छी फोटोज आती है। सबसे पहले ये 1x पे और ये है 4x पे। 4x पे एक्चुअल में लॉसलेस वाला फील आता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी मेंटेन हो पाती है, इवन की स्किन टोन भी बहुत ही अच्छा मेंटेन रहता है। वाइड एंगल के अंदर डायनेमिक रेंज अच्छा मेंटेन रह पाता है, बादल का डिटेल दिख रहा है बट सैमसंग F54 का ज्यादा अच्छा डायनेमिक रेंज है। बट फोन के साथ सेल्फीज बहुत अच्छी आती हैं, स्किन टोन क्वालिटी एंड कलर्स एकदम मेंटेन रहता है। और अगर बात करते हैं नथिंग की, नथिंग के अंदर भी फोटोज काफी ज्यादा नेचुरल टोन पे आती हैं, स्किन टोन में थोड़ा सैचुरेशन ऐड होता है, पोर्ट्रेट में भी एज डिटेक्शन उतना ज्यादा मेंटेन नहीं हो पाया बट डायनेमिक रेंज इस वाले कैमरे का बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप देखो ये नॉर्मल मोड की फोटो है, स्किन टोन काफी अच्छा मेंटेन किया गया है बट पोर्ट्रेट मोड पे क्लियरिटी एंड कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा ऐड हो जाता है जिसकी वजह से कैमरा अच्छा तो लगता है बट कलर्स मैनेज नहीं हो पाते हैं। नथिंग के अंदर वाइड एंगल भी बहुत ही अच्छा मेंटेन हो पाता है, देखो डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छा है, कलर्स भी अच्छे हैं बट क्वालिटी में इश्यूज है। मोटो H40 की बात करते हैं, इसका कैमरा सच में काफी अच्छा है। नॉर्मल मोड पे फोटोज जो आती हैं हल्का सैचुरेशन ऐड होता है, ओवरऑल डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छा मेंटेन होता है, कलर्स काफी अच्छे हैं और स्किन टोन भी अच्छा मेंटेन कर लेता है। वाइड एंगल के अंदर भी डायनेमिक रेंज अच्छा मेंटेन हो पाता है इसका बट क्वालिटी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। पोर्ट्रेट मोड में इसका एज डिटेक्शन सबसे ज्यादा अच्छा है, स्किन टोन अच्छा मेंटेन रहता है और क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन रहती है बट फोटोज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैचुरेशन ज्यादा ऐड होता है। डायनेमिक रेंज इसका भी काफी अच्छा रहता है, देखो पेड़ पे भी लाइट है, बिल्डिंग में भी लाइट है, क्लाउड्स का पूरा डिटेल है अच्छा खासा। मुझे लगता है सबसे अच्छा फोन बताना बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो अगर आपको कैमरे के फोन चाहिए तो आप 4 फोन में से कोई भी एक ले सकते हो। ये कहां से आ गया भाई, ये रियलमी का 11 प्रो प्लस, नथिंग का फोन 1, सैमसंग का F54 और मोटोरोला H40। अगर मुझे एक फोन चूज करना पड़ेगा तो मैं शायद से मोटोरोला का H40 लूंगा। और अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया जाए तो सबसे अच्छा फोन फॉर सॉफ्टवेयर है सैमसंग का F54। इसका जो 1 UI है काफी प्रीमियम फील देता है आपको। सेकंड नंबर पे नथिंग और मोटोरोला, इसको मैंने सेकंड नंबर
दिया है। उसके बाद थर्ड नंबर पे सॉफ्टवेयर आएगा रियलमी और पोको का, क्योंकि रियलमी के अंदर एड वाले काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं, जिसको हमने रियलमी के 11 प्रो वाले वीडियो में बता रखा है, उसको चेकआउट कर लेना। पोको में एड नहीं आते, बट मी यू आई ये थोड़ा बहुत अनकंसिस्टेंट रहता है कभी कभी। दोनों फोन के अंदर ऐसा कोई बड़ा इश्यूज नहीं आएंगे आपको। अपडेट एंड वारंटी के बारे में बात करें, सारे फोन के अंदर एक साल की वारंटी है, बट पोको में आपको 1+1 मिलेगा, मतलब कि एक साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर मदरबोर्ड के इश्यूज आ रहे थे तो ब्रांड ने दे दिया, बहुत अच्छी बात है। और अपडेट्स के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा सैमसंग के अंदर अपडेट मिलेगा आपको, 4 साल का अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद नथिंग के अंदर आपको 3 साल का अपडेट मिलेगा और 4 साल का सिक्योरिटी पैच। बाकी सारे फोन्स के अंदर इवन की मोटोरोला में 2 साल का अपडेट, 3 साल का सिक्योरिटी पैच। तो और कंप्लीट करते हैं इस महायुद्ध को भाई, 30,000 रुपए के अंदर बेस्ट फोन कौन सा है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका बजट 25,000 रुपए से अंदर है तो रियलमी का 11 प्रो बेस्ट फोन हो सकता है। कैमरा उतना अच्छा नहीं, बाकी हर चीज बहुत अच्छी है। और 25 से हल्का से ऊपर उठना है तो रियलमी का 11 प्रो प्लस भी बहुत ही अच्छा फोन है, मतलब कि हर एक चीज इसके अंदर बहुत तगड़ा है, कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, डिजाइन, चार्जिंग, परफॉर्मेंस, नेक्स्ट लेवल। लेकिन अगर मुझे एक फोन को चूज करना पड़े तो मैं डेफिनेटली भाई मोटो H40 को चूज करूंगा, क्योंकि इसके अंदर भाई जो फील है फोन का बहुत ज्यादा अच्छा है, कैमरा बहुत अच्छा लगा है मुझे, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बहुत तगड़ा नहीं है बट अच्छा परफॉर्मेंस है, IP68 की रेटिंग्स मिल रही है, बैटरी वैटरी भी अच्छी है, फास्ट चार्जिंग मिल रही है, हर चीज काफी अच्छा है, बस ग्लास बॉडी मिल जाए तो और मजा आ जाता, बट फ्रेम भाई मेटल का है तो उससे फील अच्छी आ जाती है। आपको कौन सा फोन पसंद है आप कमेंट में बताओ, और ये वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो, और वीडियो देखते हैं तो कमेंट में आप सजेशन दे सकते हो। इस वीडियो कितने रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। भाई बहुत मेहनत लगी एडिट में भी बनाने में भी, तो सब्सक्राइब करके जाना।